नई दिल्ली में मनीष हत्याकांड में तीन गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी फैजान, बिलाल और आलम को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। मनीष की हत्या के बाद से इलाके में तनाव है और हत्या के विरोध में स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं ये लोग और ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको देंगे सीसीटीवी फुटेज जिसमें मनीष के हत्यारे उसे चाकू से गोदते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ड्रोन से पुलिस वहां पर निगरानी कर रही है। स्थानीय लोग लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि तो आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं लोग। वहां पर जाम भी लगाया हुआ है। काफी देर से विरोध प्रदर्शन आसपास के लोगों की तरफ से किया जा रहा है, स्थानीय लोगों की तरफ से। और कई हैरान करने वाली बातें भी इस हत्याकांड के बाद सामने आ रही हैं कि जिन आरोपियों ने मनीष को मौत के घाट उतारा है उनका दबदबा उस इलाके में आज से नहीं कई सालों से है, क्योंकि पिछले साल एक साल पहले लगभग एक मोबाइल छीनने की वारदात हुई थी, इन्हीं तीन लोगों ने की थी और इसके कुछ साथियों ने की थी। इसी के खिलाफ मनीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये केस भी चल रहा है, अदालत में ये मामला चल रहा है, फोन छीने वाले मामले से जुड़ा हुआ। और इसी केस को वापस लेने का मनीष पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था इन आरोपियों की तरफ से। जब मनीष नहीं माना और मनीष बार बार गवाही देने अदालत में जाता रहा, उनके खिलाफ इसी बात से नाराज होकर पहले मनीष को धमकी दी गई इन आरोपियों की तरफ से। जब मनीष नहीं माना, उसका परिवार नहीं माना, पीछे नहीं हटा, तो मनीष को इस तरह से सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उसे चाकू से गूद कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तीन अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, ये मनीष हत्याकांड का वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तीनों ही आरोपी बेरहमी से मनीष को मौत के घाट उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो इसमें कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो वहां बैठे हुए हैं। एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है, एक वहां एक बाइक खड़ी हुई है उस पर बैठा हुआ है, लेकिन किसी ने भी ना हिम्मत जुटाई और ना ही जहमत की मनीष को बचाने की। पूरे इलाके में तनाव है इस हत्याकांड के बाद और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। गर्दन पे चाकू मारे, पेट पे मारे, हाफ मर्डर करके फेंक दिए। वो तो नसीब अच्छा था, बेचारा बच गया। उस दिन की जिंदगी बाकी थी उसकी। अब वो केस चल रहा था वही वाला, तो धमकी देते थे कि केस वापसी ले, केस वापसी लो। तो ये केस वापसी नहीं लिए, परसों गए थे तारीख पे, तो एक दिन में कौन केस वापसी ले लेता है। वो लोग हो गए परेशान, तारीख भुगतते भुगतते उसका धमकी दे गए कि केस वापसी नहीं लोगे तो मार देंगे। अब कल 6 बजे वो लड़का घूम के ऐसे आ रहा था, वो उधर से आ रहे थे, गली में आगे ही रहते हैं वो लोग। आए तीन जने थे, तीनों ने चाकू घुमा के मारा उसको। जब तक मारे गए चाकू, जब तक वो मरा नहीं। जाते जाते जी टीवी में दम दे दिया उसे। हाफ मर्डर का केस था, मोबाइल छीना था। यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी होती है, गली गली में गुंडागर्दी होती है। और जो यहाँ को लड़के करते हैं तो मोमडन के लड़के यहाँ लड़कों को रोक लेते हैं, हमारे हिंदू के इनको, और मारते हैं, पीटते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, मुर्गा मार्केट बंद होनी चाहिए और गली गली पे पुलिस वाले होने चाहिए हमारी पे। मैं बताऊं यहाँ पे बहुत हंगा हो रहा है और उन लड़कों को फांसी लगनी चाहिए, उन लड़कों को फांसी लगनी चाहिए। और उठा उठा के लेके जाते हैं लड़कियों को भी, उनका जो ना कुछ ना कुछ इंजाम होना चाहिए, उन्हें फांसी लगनी चाहिए। आए दिन यहाँ, एक बार नहीं है, आज का वाकया नहीं है, कई मर्डर हो चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा वो 2-4 महीने जेल का रहते हैं और वापस आ जाते हैं। इन लोगों ने धंधा बना रखा है, मर्डर करते हैं और पैसे इकट्ठे करे, चंदा किया, पुलिस को दे दिया। और पुलिस कहीं ना कहीं बयानों में लूजिंग छोड़ती है जिससे कि इनकी जमानत हो जाए, और जमानत पर बाहर आ जाते हैं फिर ये वही काम करते हैं। पहले भी मर्डर हुए हैं यहाँ, उधर एक लड़का मारा था पहले हिंदुओं का। पुलिस की कोई कुछ नहीं, ये तुम्हारे पुलिस चौकी बनी हुई है, सिर्फ नाम के लिए बनी हुई है। इसमें सिर्फ ये जितने भी जेब कतरे हैं सब चढ़ावा चढ़ाते हैं कागज पर, वो भी बयानों को तोड़ मड़ोड़ के लिखते हैं जिससे दूसरे आरोपी की जमानत आराम से हो जाए।